गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ चार संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, गुण, वस्तु तथा स्थान का बोध हो, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, उसके गुण और किसी वस्तु का या जगह का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है ना। अपन चित्र में देख रहे हैं कि कोई ना कोई चीज, हर प्रत्येक चीज का कोई ना कोई नाम है, कुछ ना कुछ नाम होते हैं, उसी नाम से उसकी पहचान होती है। नाम कई तरह के होते हैं, आओ हम पढ़ते हैं। जैसे तितली, ये कौन सा है? जानवर, एनिमल्स। गेंद, वस्तु। लड़का, व्यक्ति। झूला, चीज, वस्तु। कुत्ता, एनिमल। जगह, बगीचा। इस तरीके से अलग अलग चीज की अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना। जैसे व्यक्तियों के नाम हम पढ़ सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सलमान खान और श्री कृष्ण। स्थानों के नाम पर विद्यालय, दफ्तर, हरिद्वार, कई नाम हो सकते हैं, ताजमहल, लाल किला, कई नाम हो सकते हैं। वस्तुओं के नाम हम पढ़ेंगे, कलम, कंप्यूटर, घड़ी, केवल इनके अलावा पेंसिल, किताब, टेबल, मेज, पलंग, बहुत सारी चीजें होती है। पशु और पक्षियों, अब इसमें पशु मतलब जानवर और पक्षियों के भी नाम होते हैं। जैसे मोर, मोर क्या है? पक्षी। कोयल, पक्षी, ये क्या है? पशु। शेर, मोर, कोयल, शेर। आओ इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द, अन्य संज्ञा के शब्द देखें। फलों के नाम, सेब, तरबूज, अंजीर, पपीता, अमरूद, चीकू, खरबूजा, तरबूज, बहुत सारे नाम होते हैं हर चीजों के नाम। फलों के नाम दे रखा है इसलिए हमें मालूम है बहुत सारे फलों के नाम होते हैं। जरूरी नहीं जो नाम यहाँ लिखे हैं वो ही हम गिनेंगे। सब्जियों के नाम, मटर, आलू, गोभी, टमाटर, भिंडी, पालक, तोरई, घिया, लौकी, बहुत सारी सब्जियां होती है। फलों के नाम, गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, बहुत सारे और भी नाम होते हैं, सूरजमुखी हुए, है ना, कई तरीके के नाम होते हैं। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 12 महीने होते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि। इसके अलावा भी बहुत सारी नदी होती है, भागीरथी होती है, गोदावरी होती है, नर्मदा होती है, बहुत सारी नदियां होती है, ठीक है ना। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण तथा स्थान का बोध होता है, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, ये हमारी संज्ञा है। अब यहाँ है कि इन्हीं पांच महान व्यक्तियों के नाम लिखो। तो महान व्यक्ति कौन कौन से थे? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल, बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। हर एक व्यक्ति का भी नाम नहीं ले सकते हैं इसमें, सिर्फ महान, हर व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है महान व्यक्ति के नाम। किन्हीं पांच प्रसिद्ध नदियों के नाम, प्रसिद्ध नदियों के नाम कौन कौन सी होती है? गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, शिप्रा, कृष्णा, कावेरी, भागीरथी, सतलुज, बहुत सारी नदियां होती है, ठीक है, हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। भारत, अब सही संज्ञा शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। भारत की पवित्र नदी क्या है? इसमें जगह कौन, नदी का नाम गंगा दे रखा है। मैंने चिड़ियाघर में क्या देखा था? बंदर देखा था। बगीचे में बहुत सुंदर फूल उगे, फूल कहाँ उगे? बगीचे में। ने पीली साड़ी पहनी है, अब किसने पहनी है? छवि ने, छवि एक लड़की का नाम है। मैदान में खो खो खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब आता है इसमें दिनों के नाम लिखो। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसी तरह महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से अलग अलग नामों से हम संख्या की पहचान करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कल हम इसका पीडीएफ देंगे, उसमें से आपको वर्क करना। थैंक यू।